गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट करवा रहे थे हम। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में एक हमने माइक्रोस्कोप करा दिया था, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो आज हम टेलीस्कोप करवा रहे हैं। टेलीस्कोप भी एक ऑप्टिकल डिवाइस है जो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को देखने के काम आता है। जस्ट लाइक आपसे ये कहा जाए कि आपने मून को देखना है या किसी प्लेनेट को देखना है या किसी स्टार को देखना है, तो उसको देखने के लिए जिस डिवाइस का यूज किया जाता है उसको हम टेलीस्कोप बोलते हैं। इट इज ए ऑप्टिकल डिवाइस। विच इज यूज टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स और लार्ज ऑब्जेक्ट्स। जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और लार्ज ऑब्जेक्ट्स हैं उनको देखने के लिए जिस ऑप्टिकल डिवाइस का यूज किया जाता है उसको टेलीस्कोप बोलते हैं, वो टेलीस्कोप होता है। तो देखिए इस टेलीस्कोप में क्या होता है, इसमें भी मैं आपको बता देता हूं टाइप होते हैं, टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप। मैं आपको बता रहा हूं टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप के अंदर, टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप। इसमें होते हैं बेसिकली रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, और दूसरा होता है बेटा रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। तो नाम से ही समझ आ रहा है आपको। एक में तो रिफ्रैक्शन होगा, मतलब इस तरह के टेलीस्कोप लेने हैं जिसमें रिफ्रैक्शन टाइप टेलीस्कोप हो, और एक आपने लेना है रिफ्लेक्टिंग जिसमें रिफ्लेक्शन बेस पर काम होता हो। तो सबसे पहले हम रिफ्रैक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप लेंगे। ये भी बेसिकली दो ही टाइप का होता है। एक तो हम जो पढ़ते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। दूसरा आता है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये हम नहीं कराएंगे टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। इसमें केवल और केवल रिफ्रैक्शन ही होता है। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। तो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप के अंदर आपके पास एक तो न्यूटनियन रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है, और दूसरा आपके पास कैसग्रेयन टेलीस्कोप है। इसके भी दो टाइप है, न्यूटनियन टाइप टेलीस्कोप और एक है कैसग्रेयन। ये हम करवाएंगे। तो सबसे पहले हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बारे में बताते हैं। देखिए एस्ट्रोनॉमिकल अब एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के अंदर क्या होता है मैं आपको बता देता हूं बेटा। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप होता है जिसके अंदर दो कॉन्वेक्स लेंस लगे रहते हैं विच हैव लार्ज फोकल लेंथ। इट यूज टू लार्ज फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस। इसके अंदर दो लार्ज फोकल लेंस के कॉन्वेक्स लेंस लगे रहते हैं, वही सेम ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस। अब देखिए, अब एक बात ध्यान से समझिए, यहां जो दो लेंस लगाएंगे वो हम लार्ज फोकल लेंस के लगाएंगे, ये देखिए, ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव होगा, ये हमारे पास आईपीस होगा।
क्योंकि ये हमारी आंख के पास है, ये ऑब्जेक्ट के पास है, ये ऑब्जेक्ट की साइड है, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, यहां इसकी फोकल लेंथ ग्रेटर ग्रेटर देन ऑफ आईपीस। देखिए उल्टा हो गया, अब की बार हमारा ऑब्जेक्टिव बड़ा है, आईपीस छोटा है। सिंपल माइक्रो, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर हमारा ऑब्जेक्टिव छोटा था, आईपीस बड़ा था। क्योंकि देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, याद कैसे रखा जाए। हम माइक्रोस्कोप से छोटे ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, इतने छोटे ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं कि अगर हमारी आंख और उस ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन किया जाए तो छोटा कौन सा है, ऑब्जेक्ट छोटा है, आंख का साइज बड़ा है। मतलब जो बड़ा है उसके साथ बड़ा लेंस, जो छोटा है उसके साथ छोटा लेंस। हम टेलीस्कोप का यूज कर रहे हैं, ये टेलीस्कोप है, ठीक है। टेलीस्कोप से हम किसको देखेंगे, मून, और हम देख रहे हैं तो हमारी आंख और मून का कंपेयर करेंगे तो आंख छोटी है या मून, आंख छोटी है। तो जो यहां से देख रहे हैं तो जो आंख के पास होगा वो छोटा होगा, जो बड़े ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो ऑब्जेक्ट के पास जो होगा वो बड़ा होगा। याद रखने का बड़ा आसान तरीका है। तो मैंने क्या कहा, इसकी फोकल लेंथ आईपीस की फोकल लेंथ से ज्यादा है, बट है दोनों लार्ज फोकल लेंथ। दूसरा पॉइंट, यहां हम ऐसा नहीं कह सकते जैसे कि आपने कहा कि ये इसका फोकस है, मान लीजिए एफ नोट है, ठीक है, या आपने कहा कि इसका एफ नोट मान लीजिए इधर है, ये है लार्ज फोकल। अब मान लीजिए मैं आपसे ये कहता हूं कि ऑब्जेक्ट को कहां रखा जाए, तो ऑब्जेक्ट को कहीं पर रखा नहीं जाएगा, पहला पॉइंट तो यही है। क्यों, क्योंकि यहां से पैरेलल रे ऑफ लाइट यूं आएंगे, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट कहां पर है, एट इनफाइनाइट, ऑब्जेक्ट तो बहुत दूर है, ऑब्जेक्ट आप प्रिंसिपल एक्सिस पर थोड़ी रख दोगे। मैंने ये कहा कि मून देखना है तो आप मून को उठाकर इसके प्रिंसिपल एक्सिस पर थोड़ी रख दोगे, आप मून को देखोगे तो इसकी डायरेक्शन देखोगे कि मून की डायरेक्शन से यहां रे ऑफ लाइट आ रही, मून इनफाइनाइट पर है। किसी स्टार को देखना चाहते हो तो स्टार इनफाइनाइट पर है, वहां से पैरेलल रे ऑफ लाइट आ रही है ये। अब ये पैरेलल रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो ये तो ओवन हो गया, और दूसरा ये बेंड होने के बाद आपकी जो इमेज है, आपको पता है अगर इनफाइनाइट पर है तो बेंड होने के बाद फोकस पर ये अपनी इमेज बनाएगी। मेरी बात समझ आ गई होगी, इमेज कहां बनेगी, फोकस पर। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो इमेज इनफाइनाइट पर, अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है तो इमेज फोकस पर, आपने पढ़ा हुआ है, समझ आ गया। और ये आपका आ गया फोकल प्लेन, क्या आ गया, ये आपका फोकल प्लेन जहां इमेज बनी है, आप इसको ए डैश बी डैश भी कह सकते हो, समझ आ गया। आपने क्या कहना है कि आपका ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है तो आपकी इमेज ऑब्जेक्टिव के फोकस पर बनेगी, आपकी इमेज कहां बनेगी, ऑब्जेक्टिव के फोकस पर। अब आपने क्या कहना है कि भाई ये ट्यूब थी, अब आप इसको मूव कराओगे भाई, क्योंकि आपने इस आईपीस के अंदर से देखना है, आप इसको मूव कराओगे और आप इसको मूव कराकर इसके पास ले आओगे, क्योंकि इसका जो फोकस है वो इधर आ जाए, मतलब ये जस्ट इसके पास पहुंच जाए। अब आपने इमेज बनानी है तो इसके ऑप्टिकल सेंटर से पास कराओगे एक रे ऑफ लाइट को, दूसरी रे ऑफ लाइट यहां से पास कराओगे। हम क्या चाहते हैं कि इसकी इमेज सबसे पहला पॉइंट कहां बन जाए, डिस्टिंक्ट रीजन पर, कहां बन जाए, डी पर बन जाए, सीधा सीधा हमारा ये मकसद है भाई, समझ आ गया होगा। ये इस डिस्टेंस को आपने क्या कह दिया, डी कह दिया, मेरी बात समझ आ गई, पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ये हमारा एफ ई, ये ए डबल डैश, ये बी डबल डैश, मेरे हिसाब से पॉइंट क्लियर। सबसे पहला पॉइंट यहां पर भी हम लिखेंगे, व्हेन इमेज फॉर्मेट नियर पॉइंट डी, समझ आ गया। हम इमेज को कहां बना रहे हैं, डी पर बना रहे हैं। फॉर्मूला वही है मैग्नीफाइंग पावर का, बीटा बाई अल्फा। बीटा किसके साथ, आप यहां से देख रहे हैं आईपीस है ना ये, तो ये क्या है, आई लेंस, आईपीस कह सकते हो। ये कौन सा है, ऑब्जेक्टिव बता रखा है। अब आप यहां से देख रहे हो तो ये जो एंगल है, ये एंगल क्या हो जाएगा, बीटा, और ऑब्जेक्ट के साथ जो एंगल बनेगा वो क्या हो जाएगा, अल्फा। इसको आपने क्या कह दिया, ओ टू ऑप्टिकल सेंटर। क्या कहेंगे भाई, हमेशा यही तो कह रहे हैं
कि ऑब्जेक्ट को कहां लिया जाए, ये बीटा एंगल कहां लिया जाए, जो इमेज के साथ बना हुआ है, यही तो है हमारी इमेज, ये डबल डैश बी डबल डैश, ये लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए स्केल से जो आप बना होता हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने ये टेढ़ी मेढ़ी करके कहीं पर भी मिला दी, एकदम स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, स्केल से मिलानी है, जहां पर भी बने उस पॉइंट को ए डबल डैश लिख देना और उस डिस्टेंस को डी बता देना। अब देखिए ध्यान से, मैंने क्या कहा, चलो देखिए, अब देखिए मैंने कहा एम इज इक्वल टू बीटा बाई अल्फा, बीटा क्या है इमेज के साथ बना हुआ एंगल है, और अल्फा क्या है ऑब्जेक्ट के साथ बना हुआ एंगल, ऑब्जेक्ट कहां बना है वो इनफाइनाइट से वेव फ्लाइट आ रही है, तो हम ये कहेंगे एंगल सस्पेंडेड बाय इमेज विद आई टू द एंगल सस्पेंडेड बाय ऑब्जेक्ट विद आई, सीधा लिख दो इसको, क्योंकि आंख से हम यू देख रहे हैं, तो अगर हम मून को देखेंगे तो यू पैरेलल देखेंगे, तो ये एंगल तो यही अल्फा ही लिया जाएगा, आप डिस्टिंक्ट विजन पर मत रखिए अब की बात, अब तो आप ऑब्जेक्ट को देखोगे तो ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट विजन पर लिया ही नहीं जाएगा, मेरी बात समझ रहे हो, उसको कहां लेना है इनफाइनाइट पर ही लेना है, मेरी बात समझ गए। तो अब आप आगे फॉर्मूला लगा सकते हैं, एम इज इक्वल टू बीटा बाई अल्फा विच इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, टेंजेंट बीटा अपॉन टेंजेंट अल्फा, अल्फा एंड बीटा इज वेरी वेरी स्मॉल तो बता दोगे। अब टेंजेंट बीटा देखिए, मैंने क्या कहा, मैं दो ट्रायंगल ले लेता हूं, मैंने कहा ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ टू, ये है ए डैश, ये है बी डैश, ये है ओ टू, या टेंजेंट बीटा देखेंगे तो इसके अंदर क्या कहोगे, टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश ओ टू, पॉइंट क्लियर हो गया, ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश ओ टू, मेरे हिसाब से दिख रहा होगा बोर्ड पर, क्लियर है। अब देखिए अगला अल्फा निकालना है, ये एंगल अल्फा लिया था क्योंकि इनफाइनाइट से तो ये आ रही है, तो अगर ये एंगल अल्फा है तो ये भी एंगल अल्फा होगा, अब की बार मैंने दे दिया ओ वन ए डैश बी डैश, ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ वन, यहां से अगर आप टेंजेंट अल्फा निकालते हो तो टेंजेंट अल्फा क्या हो जाएगा, वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश ओ वन, मेरे हिसाब से यही होगा क्योंकि ए डैश बी डैश ओ वन इस ट्रायंगल के अंदर टेंजेंट अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है ए डैश बी डैश, बी डैश ओ वन, या देखिए अब मैग्निफिकेशन निकालेंगे, टेंजेंट बीटा अपॉन टेंजेंट अल्फा, ए डैश बी डैश कैंसिल, क्या आ गया बी डैश ओ वन अपॉन बी डैश ओ टू। अब ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए मैं ये कहूं यहां से ये जो डिस्टेंस है ये वाली डिस्टेंस ऑब्जेक्टिव की इमेज बनी हुई है, वी ओ लिख देता हूं इमेज ऑफ ऑब्जेक्टिव, और अगर मैं इस डिस्टेंस की बात करूं तो आई पीस के ऑब्जेक्ट का काम कर रही है तो यू ए लिख देता हूं, मतलब इसको क्या लिख दिया जाए भाई, वी ओ अपॉन यू ए, यहां तक पॉइंट क्लियर है, वी ओ अपॉन यू ए। और दूसरी बात, यू ई तो मेरे हिसाब से माइनस होना चाहिए, नेगेटिव है ना इंसिडेंट से अपोजिट। अब चलो इसको आगे पढ़ लेते हैं, हमें पता है कि ये जो वी नॉट है, वी नॉट फोकस पर बना हुआ है तो ऑब्जेक्टिव के फोकस का काम करेगा भाई, ये वाली जो डिस्टेंस है इसको क्या कह सकते हो भाई, फोकस पर ही इमेज बनाई है एफ नॉट पर, तो क्या हो जाएगा एफ नॉट, मेरे हिसाब से स्मॉल एफ नॉट लिख देते हैं, देन एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास एफ नॉट अपॉन माइनस ऑफ यू ई, ये हमारे पास मैग्निफिकेशन आ गई, मेरी बात समझ गए कि नहीं, ये हमारे पास क्या आ गई भाई मैग्निफिकेशन आ गई इसकी, पॉइंट क्लियर है। अब हमने क्या किया भाई, इसके लिए तो जो था वो तो हमने लिख ही दिया, बस ये है आई पीस
किसका काम कर लेते हैं। आईपीस के लिए देखिए ऑब्जेक्ट इसके पास रखा हुआ है और इमेज इधर ही बनी हुई है, डी पर बनी हुई है, तो आप मेरे हिसाब से डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं और मेरे हिसाब से 1/UE की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। क्योंकि ध्यान से देखिए फोर आईपीस के लिए मैं कहता हूं लेंस फॉर्मूला लगा रहा हूं 1/F इज इक्वल टू 1/V माइनस 1/U। भाई मेरे हिसाब से तो ये तो लेंस फॉर्मूला ही है। क्या है ये? लेंस फॉर्मूला। अगर हम देखें तो मैं यहां से 1/V की वैल्यू निकालूंगा। देखिए बेटा यहां से 1/V निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/F प्लस 1/U। क्लियर? वैल्यू पुट करनी है बस, हमने क्या करना है वैल्यू पुट करनी है। जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो इजीली हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाना चाहिए भाई वी की आईपी से। मैं ये लिख देता हूं, याद रह जाएगा VEFEU। वैल्यू बता दीजिए क्या है। देखिए यहां कर लेते हैं, VE क्या है हमारे पास, शायद माइनस बी है, FE पॉजिटिव है रहने दो, UE की बात करें तो UE हमारे पास क्या आएगा, माइनस ऑफ UE आना चाहिए या माइनस ऑफ X आना चाहिए, मेरे हिसाब से ये आना चाहिए। पॉइंट क्लियर हो गया? तो अगर हम इनकी वैल्यू पुट करें तो आंसर आ जाएगा हमारे पास। देखिए 1/F इज इक्वल टू 1/V माइनस ऑफ 1/U। चलो वैल्यू पुट करते हैं तो 1/FE इज इक्वल टू 1/V की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/-D माइनस ऑफ 1/-U। माइनस माइनस प्लस हो गया तो क्या कर देंगे 1/UE इज इक्वल टू 1/FE प्लस 1/D। मेरी बात समझ गए, 1/FE प्लस 1/D बस। ठीक है भाई, ये UE 1/UE की वैल्यू आ गई। यहां से अगर इसको और एक्सप्लेन करो तो 1/FE को मान ले लो तो क्या आ जाएगा 1+FE/D। आगे इसको अंदर ले जाकर मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा जो यहां पर लिखा हुआ है, समझ रहे? तो ये वैल्यू किसकी है, 1/UE की वैल्यू है। आपने अभी मैंने इंडिकेशन निकाली थी m इज इक्वल टू एफ नॉट अपॉन माइनस ऑफ यूई। मतलब आप क्या कह सकते हो माइनस ऑफ एफ नॉट मल्टीप्लाई बाई 1/UE और 1/UE की वैल्यू यहां है तो इसको पुट कर दीजिए माइनस एफ नॉट अपॉन एफ ई 1+FE/D। ये आपके पास मैग्निफिकेशन आ गई। पॉइंट क्लियर हो गया हो तो मेरे हिसाब से तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं। या तो आप इनकी फोकल लेंथ को इंक्रीज करोगे, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ जितनी ज्यादा इंक्रीज करोगे मैग्निफिकेशन उतनी ही ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। मैथमेटिकल कैलकुलेशन है लेंस फॉर्मूला लगाना है और कैलकुलेट करना है। ये आपके पास एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप दूसरा अभी आप पढ़ेंगे कि अगर आपने इसके इसकी इमेज को इनफाइनाइट पर बनाना है, कहां बनाना है भैया, इनफाइनाइट पर। देखिए फॉर्मूले तो यही लगेंगे, वैसे तो लगभग सेम फॉर्मूले आ जाएंगे। मैं एक बार डायग्राम बना देता हूं, रनिंग इमेज फॉर्मेट इनफाइनाइट फार पॉइंट। मैंने क्या कहा था भाई, ऑब्जेक्टिव बड़ा, सबसे पहले क्या करोगे इनफाइनाइट से जो रे ऑफ लाइट आ रही है पैरेलल आ रही है, जहां भी मिलेंगी इसके फोकस पर मिलेगी, रे ऑफ लाइट बैंड होने के बाद फोकल प्लेन पर इमेज बन जाएगी। इस इमेज को क्या कहेंगे, ए डैस बी डैस। ये एंगल क्या बताया था, अल्फा। यहां तक क्लियर है?
उसके बाद आपने इस आई लेंस को इसे छोटा बनाना है और ऐसी जगह रखना है कि आप कहो कि यहां पर ही इसका आईपी इसका फोकस है। यहां से जब आप इमेज बनाओ तो क्या कहोगे, रे ऑफ लाइट यहां चली गई पैरेलल, और यहां से भी अगर आप देख रहे हो तो ये रे ऑफ लाइट बेंड होने के बाद पैरेलल चली जाए, और उसके बाद इनको डॉट डॉट करके आप पीछे मिलाओगे, यहां कहोगे एटी फाइव। मेरी बात समझ आ गई, ये आपके पास आई लेंस है, ये आपके पास ऑब्जेक्टिव लेंस है। मेरी बात समझ गए। अगली बार ये जो फाइनल हमारा एग्जाम ये बना है, ये इनफाइनाइट पर बना है, यहां हमारे पास एंगल क्या है, बीटा। फॉर्मूला वही है, इज इक्वल टू बीटा बाई अल्फा, टेंजेंट बीटा बाई टेंजेंट अल्फा, फॉर्मूले सेम लगेंगे और हमारे पास यही हमारे पास फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। बस इमेज हमारी इनफाइनाइट पर बनी है तो जो हमारी मैग्निफिकेशन है, फाइनली जो हमारी मैग्निफिकेशन है एम इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ नॉट बाई एफ ई हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां जो हम लिख रहे हैं, ये जो हमारा फॉर्मूला आया है, ध्यान से देखिए यहां तक तो सेम है। अगर मान लीजिए आप ये कहते हो कि ये सर बी वन है, ये हमारे पास ओ टू है और ये हमारे पास क्या है, ओ वन है। अगर बी वन ओ टू की बात करते हो, बी वन ओ टू मेरे हिसाब से इसकी फोकल लेंथ है, बोलो है या नहीं, एफ ई। और अगर ओ वन बी डैश की बात करते हो तो ये हमारे पास क्या है, एफ नॉट। तो यहां से इंसिडेंट रे से अगर इधर मेजरमेंट करते हैं तो नेगेटिव, दूसरी पॉजिटिव, तो मैंने सीधा लिख तो दिया बी वन ऑन एस माइनस एफ नॉट अपॉन एफ ई, काम खत्म। ये इनफाइनाइट के लिए है, किसके लिए है, ये इनफाइनाइट के लिए। तो ये हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के दोनों थे, दूसरे में हमने इनफाइनाइट पर इमेज बनाई, सेम फॉर्मूला वही रहेगा और बस हमने इनकी वैल्यूज को पुट करना है। डिस्टिंक्ट विजन के लिए हमें थोड़ा और भी आगे एक्सप्लेन कर देना है। अब ध्यान से देखिए, ये कहता है कि एक आता है हमारे पास रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। क्या आता है भैया, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। देखिए हाँ बेटा, हाँ बेटा, देखिए रिफ्लेक्टिंग टाइप, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं न्यूटनियन टाइप, देखिए यहां ये काफी सिंपल टेलीस्कोप है जी, ये रिफ्लेक्टिंग टाइप है, इसमें लेंस का यूज नहीं है, रिफ्लेक्शन मिरर का यूज होगा इसमें। किसका यूज करेंगे हम, मिरर का यूज करेंगे। तो देखिए इसमें कोई एक्सप्रेशन नहीं है, केवल डायग्राम है। क्या है कि ये कहता है कि एक हम कॉनकेव मिरर लेते हैं, ठीक कॉनकेव मिरर, ये मिरर है, ठीक है, ये हमारे पास है कॉनकेव मिरर। हम इसको डायरेक्शनल यूज करते हैं बेटा। ये कहता है कि यहां यू पैरेलल रे ऑफ लाइट, बहुत सारी पैरेलल रे ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट से आ रही है, ये ऑब्जेक्ट है, बहुत दूर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, लार्ज ऑब्जेक्ट है, तो यहां से पैरेलल रे ऑफ लाइट इसके ऊपर जा रही है। अब क्या होगा, आपको पता है मिरर के अंदर जब कोई भी पैरेलल रे ऑफ लाइट मिरर के ऊपर इंसिडेंट होती है तो वो बेंड करेगा और कहां पर मिलाएगा बेटा, फोकस पर, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। बहुत सारी रे ऑफ लाइट आ रही है यूं, ये बेंड करने के बाद कहां मीट करेगी बेटा, फोकस पर, यूं ये फोकस पर आएंगी सभी की सभी रे ऑफ लाइट, पॉइंट क्लियर। अब ये फोकस पर आ रही है, फोकस पर पहुंचने से पहले ही एक और मिरर रख दिया जाता है और उस मिरर को 45 डिग्री टिल्ट करके रखा जाता है। ये फोकस था, फोकस से पहले ही यहां एक प्लेन मिरर रखा गया, ये प्लेन मिरर है, ये टिल्ट करके 45 डिग्री एंगल से रख दिया गया,
इसके साथ 45 डिग्री एंगल बनाया और यहां रख दिया। अब ये रे ऑफ लाइट यहां इंसिडेंट हो रही है, अब ये क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, ये रे ऑफ लाइट क्या हो जाएगी बेटा, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यहां हमारे पास एक माइक्रोस्कोप लगा दिया जाता है, ये रे ऑफ लाइट इसके अंदर एंटर होगी और ये इनको कन्वर्स कर देगा और यहां से हम देख लेंगे। समझ आ गया वो, जो रे ऑफ लाइट यहां से इस मिरर पर जाएगी, रिफ्लेक्ट होगी, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी और यहां रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस माइक्रोस्कोप के अंदर जाएगी और माइक्रोस्कोप उनको कन्वर्ज करेगा और हम यहां से देख पाएंगे। ये हमारे पास न्यूटनियन टाइप टेलीस्कोप था, ये न्यूटन ने बनाया था, लगभग बताया जाता है 1668 में इसकी डिस्कवरी हुई थी, इन्वेंशन हुआ था 1668 में, न्यूटन ने इसको बनाया था और ये जिसमें एक कॉनकेव मिरर और एक प्लेन मिरर का यूज किया था। कॉनकेव मिरर एक लार्ज फोकल लेंथ का मिरर था जो जिसकी अपर्चर वेरी वेरी लार्ज थी, लार्ज अपर्चर भी आप कह सकते हैं, लार्ज अपर्चर का यूज किया था इसमें, लार्ज अपर्चर का यूज किया था बट इसमें कुछ कमियां थी क्योंकि लार्ज अपर्चर के अंदर क्या होता है कि टोटल रे ऑफ लाइट जो रिफ्लेक्ट होने के बाद जाती है उनको फोकस पर कन्वर्ज नहीं कर पाते, जिनको स्फेरिकल एब्रेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्फेरिकल एब्रेशन। मैं आपको बता देता हूं, स्फेरिकल एब्रेशन ये इनएबिलिटी होती है, इनएबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज रे एट फोकस, डाइवर्ज मार्जिनल रे एट फोकस। मैं आपको बताता हूं क्या होता है, जैसे कि ये आपने क्या कहा कि ये मिरर था भाई, हमने कहा ये इसका फोकस है, यहां से रे ऑफ लाइट आई पैरेलल फोकस पर, ये आई पैरेलल फोकस पर, बैंड हो गए, ये भी फोकस पर, ये भी फोकस पर। अगर ये जो दूर वाली आ रही है इनको बैंड करेगा तो ये फोकस पर नहीं कहीं और ही बैंड कर देता है, मतलब दो अलग अलग इमेज बना देता है, बैंड एक ही पॉइंट पर नहीं होती। जिनकी लार्ज अपर्चर होती है, जो मिरर बहुत बड़े होते हैं उनके लिए मैं आपको बता रहा हूं, तो अगर ऐसा होता है तो इस एरर को स्फेरिकल एब्रेशन बोलते हैं, कि जो इनएबिलिटी है टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द मार्जिनल रे एट फोकस, मतलब फोकस पर जो मार्जिनल जो बाहर वाली है इनको मार्जिनल रे बोला जाता है, ये जो है ये मार्जिनल रे है, मेरी बात समझ गए, मार्जिनल रे को फोकस पर कन्वर्ज नहीं कर पाता, इस इनएबिलिटी को स्फेरिकल एब्रेशन बोलते हैं। तो इसको दूर किया गया, इससे हमारी इमेज क्लियर नहीं आई, तो इसके लिए फिर हमारे पास एक दूसरा आया, कैसग्रेन रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप जो कराते हैं, इसमें केवल डायग्राम ही है और कुछ नहीं है, बस डायग्राम है, इसकी थ्योरी आपने पढ़नी है समझ जाओगे। कैसग्रेन टाइप टेलीस्कोप, ये भी रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है, इसने क्या किया था, ये भी रिफ्लेक्टिंग टाइप है, इसने क्या किया था, इसने कॉनकेव की जगह पैराबोलिक मिरर का यूज कर लिया बेटा, किसका यूज कर लिया, पैराबोलिक, इन दिस टाइप पैराबोलिक मिरर आ रही है, क्यों यूज किया गया वो बता देता हूं। मैंने अभी अभी स्फेरिकल एब्रेशन के बारे में बताया था, पैराबोलिक मिरर स्फेरिकल एब्रेशन को खत्म कर देता है, पैराबोलिक मिरर में स्फेरिकल एब्रेशन नहीं होता है, पैराबोलिक मिरर टोटल वे ऑफ लाइट को फोकस पर कन्वर्ज कर देता है। इसका मतलब पैराबोला आपने देखा होगा, पैराबोला इस शेप में होता है और कॉनकेव आप देखते हो तो वो इस शेप में, तो देखिए इसे ज्यादा बैंड कर देता है,
मेरी बात समझ रहे, जो रे ऑफ लाइट मार्जिनल थी जो बाहर की तरफ जा रही थी उसने इसको और भी ज्यादा बेंड कर दिया, ये भी इसी तरह का ही था, पैराबोलिक था ये, इसके बीच में गैप छोड़ा गया, ये पैराबोलिक शेप यहां तक यू रखी गई। पैराबोलिक में आपको पता है ये शेप ज्यादा बेंड होती है, ये कर्व बहुत ज्यादा होता है, समझ गए, ये मिरर है, पॉलिश कर सकते हो इसको। ये कहता है कि इसके अंदर जो मार्जिनल रे ऑफ लाइट है, यू मार्जिनल रे ऑफ लाइट है, हम सबको मालूम है कि यहां से जितनी भी पैरेलल रे ऑफ लाइट जाएंगी तो ये अपने फोकस पर 100% ये इसको अपने फोकस पर कन्वर्ज करेगा, ये हुआ, ये इसका फोकस है, समझ गए। इसमें एक भी रे ऑफ लाइट ऐसा नहीं है ये मार्जिनल लाइट, ये भी इसके फोकस पर ही जाएगी, जहां से ये मार्जिनल रे ऑफ लाइट जा रही ये भी इसके फोकस पर ही जाएगी, एक भी रे ऑफ लाइट ऐसी नहीं होगी जो इसके फोकस से ना जाए, ये बात याद रखनी है। यहां से ये रे ऑफ लाइट है ये भी बैंड होने के बाद इसके फोकस, एवरी रे ऑफ लाइट गोज थ्रू द फोकस, ये बात याद रखनी है। अब इसमें तो क्लियर इमेज बननी चाहिए, अब इन्होंने इस टाइप के टेलीस्कोप में क्या हुआ, यहां पर एक कॉन्वेक्स फोकस से पहले ही एक कॉन्वेक्स मिरर रख दिया, मतलब रे ऑफ लाइट तो इसको पार कर ही नहीं सकती, फिर तो ये यहां पर जाती है। अब यहां हमने क्या किया, कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया, कॉन्वेक्स मिरर इनको यहां से पार कर देता है बाहर की तरफ, जितनी भी रे ऑफ लाइट है ये सब बाहर की तरफ फोकस की तरफ जाना शुरू हो जाती है, और यहां पर हमने अपना एक आई लेंस रख दिया, डिटेक्टर रख दिया, मेरी बात समझ गए, ये जितनी भी रे ऑफ लाइट है कॉन्वेक्स लेंस ने बेंड करके यहां पहुंचा दी, कॉन्वेक्स मिरर, ये हमारे पास सेकेंडरी मिरर है, ये हमारे पास पैराबोलिक मिरर है जिसको प्राइमरी मिरर बोलते हैं, समझ आ गया होगा। इसमें भी डायग्राम ही है बस, उसके बाद मैग्निफिकेशन का सीधा फॉर्मूला, जैसे कि आपने पहले भी पिछले डायग्राम में भी पढ़ा था, एम इज इक्वल टू एफ नॉट अपॉन एफ ई इंटू वन प्लस एफ ई बाई डी, यही मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। ये कहता है कि अगर आपने डिस्टिंक्ट विजन पर बनाना है, मैग्निफिकेशन एक डिस्टिंक्ट विजन, और अगर आपने एट इनफाइनाइट बनाना है तो मैग्निफिकेशन आपके पास हो जाएगी एफ नोट बाई एफ ई, जो पिछले फॉर्मूले में थी माइनस ऑफ एफ नोट बाई एफ ई, और यहां पर हमारे पास मिरर यूज है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बाई टू अपॉन एफ ई, ये भी आप कह सकते हो। मैं आपको बता देता हूं, रेडियस ऑफ कर्वेचर डबल ऑफ फोकल लेंथ होती है, ये बात याद रखिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज डबल ऑफ फोकल लेंथ, ये हमारे पास रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। तो मेरे हिसाब से ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इतने ही हैं, इनके न्यूमेरिकल, इनके कॉन्सेप्चुअल, इनके पॉइंट्स आप पढ़ के देखिए, आगे हम वीडियो क्लास में इनका डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।